में मिश्र जोनी में ते साधुओं के हित के लिए भक्तों के उपकार के लिए और सप्तम रजस्तम इति भरते निर्गुण गुणान। वास्तव में भगवान निर्गुण हैं लेकिन इस जगत में जब आते हैं तो सत्वगुण को रजोगुण को और तमोगुण को भी स्वीकार करते हैं और इसके गुणों को स्वीकार करके क्रीड़न खेल करते हैं जबकि उस खेल से वे अलग हैं अतीत हैं प्रकृति के गुणों से अतीत हैं लेकिन प्रकृति के गुण ही सृजति अवति हंति अजह स्वयं अजन्मा हैं। प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके इस विश्व की रचना करते हैं इसका पालन करते हैं और हंति अंत में विनाश कर देते हैं। तो जगत के लोगों को संसार के लोगों को ये क्यों प्रतीत होता है कि कृष्ण में अहंकार है कृष्ण कुछ संग्रह कर रहे हैं कुछ स्वजन इकट्ठा कर रहे हैं कृष्ण भी किसी को माता मानते हैं पिता मानते हैं या कृष्ण कर्म करते हैं ऐसे लोगों को प्रतीत कैसे होता है लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि आत्मोपम्य न कृष्ण हमारे जैसे ही राग द्वेष में पड़े हुए हैं कुछ को अपना समझते हैं पराया समझते हैं रोज रोज तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं अपने जैसा क्यों समझते हैं संसारिक लोग। तो उद्धव जी कहते हैं जथा भ्रमरिका दृष्टिया भ्रमति व महियते जैसे भ्रमरिका दृष्टि से घुमरी कोई खेलता है भ्रमण करता है तो घुमरी खेलते खेलते आँख में घुमरी चढ़ जाती है तो उस समय उस उपाधि से युक्त नेत्र से देखेंगे भ्रमरिका दृष्टि से तो मही भ्राम्यति इव ईयते प्रतीयते ये पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है ना। सब लोग घुमरी खेले होंगे बचपन में आजकल लड़के तो खेलते ही रहते हैं तो घुमरी खेलते खेलते आँखों में घुमरी हो चढ़ जाती है तो इस आँख से जब देखेंगे तो लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है पहाड़ घूम रहा है पेड़ घूम रहा है ना। ये देखा गया कितना उदाहरण लौकिक दिया जा रहा है। अच्छा तो कभी कभी तो बच्चे कहने लगते हैं वास्तव में तड़ला रहे हैं वो गिर रहे हैं वे और फिर भी देखते हैं तो कहते अरे यही पेड़ चलता है पहाड़ चलता है तो कई बात बोलते रहते ये पहाड़ जहाँ है वहीं रहता है पेड़ जहाँ है वहीं रहता है पर घुमरी से युक्त नेत्र से देखेंगे तो लगेगा कि घूम रहे हैं। ऐसे ही इस जगत में जीव माया के वश में है उनको प्राकृत शरीर मिला है प्राकृत बुद्धि है प्राकृत मन है घुमरी चढ़ी हुई है तो इसी दृष्टि से वे कृष्ण पर भी विचार करते हैं तो उनको लगता है कृष्ण हमारे जैसे माया के बंधन में हैं हमारे जैसे राग द्वेष में हैं इतना इतना विवाह कर रहे हैं क्या जरूरत है इतना विवाह करने की इसका मतलब कृष्ण भी स्त्री सुख के फेरे में हैं ऐसे लोग बोलते भी कृष्ण इतने लोगों को मरवा दिए महाभारत में ये किए वो किए कृष्ण भी लगता है कामी हैं क्योंकि स्त्रियों का वस्त्र चुरा रहे हैं। कई ऐसी लीलाएं हैं लोग कृष्ण पर जब विचार करते हैं लेकिन विचार करते हैं तो उनका मन माया में बंधा हुआ है अपने जैसा वे कृष्ण को समझते हैं इसीलिए जब उनकी दृष्टि बिगड़ी हुई है माया की उद्घृणा छाई है तो वैसा ही विचार करेंगे कि कृष्ण ऐसे नहीं है जैसे पृथ्वी घूमती नहीं है अचल है लेकिन घुमरी छा जाती है तो उस आँख से देखने पर घूमती हुई ईयते प्रतीयते घूमती हुई नजर आती वैसे ही भगवान वास्तव में सच्चिदानंद हैं दिव्य हैं अप्राकृत हैं परम प्रभु हैं परब्रह्म हैं लेकिन माया के अज्ञान से जिनकी आँखें उपाधि ग्रस्त हैं तो वे अपने जैसे देखेंगे ही क्योंकि आँखों में यही भाव आ गया है। जब घुमरी ठीक होती है तब फिर देखता है व्यक्ति की पेड़ अचल है पहाड़ अचल है। इस भागवत के कथा द्वारा अपनी घुमरी को दूर करना है तब समझ में आएगा कि श्री कृष्ण क्या हैं।
ठीक दृष्टि से देख पाएंगे। तो पहले तो भगवान का नाम जप करके, भागवत सुन करके अपनी भ्रमरिका दूर करना है। जो घुमरी चढ़ गई है, जो माथा खराब हो गया है, उसको पहले दूर करना है। इसके बाद कृष्ण के विषय में बात करना चाहिए, नहीं तो सब पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है, ऐसे ही कहेंगे। अगर घुमरी चढ़ी हुई है, उस व्यक्ति से पूछा जाए, उस बच्चे से पूछा जाए पृथ्वी कैसे है, तो सब घूम रहा है, सब घूम रहा है, सब घूम रहा है, घूम रहा है, कोई नहीं घूम रहा है, घूम रही है आँख, आँख भी घूम नहीं रही है, उसमें भ्रमरिका छा गई। भ्रमण करते करते भ्रमरिका छा जाती, माया में रहते रहते, राग द्वेष आदि में रहते रहते भगवान पर भी यही भाव होता है। कुछ लोग तो यहाँ कहते हैं भगवान को अपने घर से यहाँ आने की क्या जरूरत है, मान लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो वहाँ से यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, यहाँ कुछ उनको चाहिए, जो सुख वैकुंठ में नहीं है वो सुख लेने के लिए यहाँ आते हैं। देख ये बात बोला कर रहे, और आ करके उनके मिशन में कोई बाधा देता है तो उसको पीटते हैं, काटते हैं, मारते हैं सुदर्शन चक्र लेकर। तो हिरण्यकश्यपु को मारे, आरती करनी चाहिए, आरती आरती कराइए, टाइम हो गया। नहीं पूरा नहीं, पूरा करने का समय नहीं, समय हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पर बंद करते हैं और श्री भागवत जी की आरती होगी। Thank you.